नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर आपके अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको नए तथ्यों से रूबरू कराना है। इतने दिनों से हम अपने चैनल पर आपको काफ़ी वीडियो दिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो अशोक के स्तंभ या भीम की लाठी है। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। सातवीं सदी तक ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले लोग मौजूद थे और अभिलेखों की भाषा को समझा भी जाता था। ह्वेनसांग ने ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेख पढ़े, जिनका अभिप्राय ह्वेनसांग ने समझाया भी है। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक के स्तंभ लेखों को लोग आसानी से समझ लिया करते थे। लेकिन भारत के तुर्की सल्तनत काल में अशोक की प्राचीन लिपि को लोग भूल चुके थे। इलियट और डॉसन शम्स-ए-शिराज अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोजशाही के अनुवाद में बताते हैं कि जब सुल्तान फिरोज अपने थट्टा अभियान से वापस लौट आया तो दिल्ली के आसपास के दौरे पर निकला, जहां उसे दो स्तंभ नजर आए। एक टोपरा गांव में था तो दूसरा मेरात शहर में था। सुल्तान ने एक स्तंभ को महल की जामा मस्जिद के सामने गड़वाया, जिसे मीनार ए जरीन अर्थात स्वर्ण स्तंभ नाम दिया, क्योंकि इस स्तंभ की चमक सोने की पॉलिश का आभास देती है। तो दूजे स्तंभ को कुश्क ए शिकार महल में बड़ी ही जद्दोजहद और मशक्कत के बाद गढ़वाया। फिरोज तुगलक ने प्रसिद्ध विद्वानों और ब्राह्मणों को स्तंभ का लेख पढ़ने को बुलाया। शम्स-ए-सिराज कहता है कि प्रकांड विद्वानों ने बताया कि यह जो दो स्तंभ हैं वे भीम की लाठी हैं, क्योंकि भीम बड़े विशाल आकार के थे जो हजारों आदमियों को प्रतिदिन खा जाते थे और कोई भी व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर पाता था, तथा भीम इन बड़ी लाठियों से गाय भैंस और भेड़ बकरी को हाँका करते थे जो कि विशाल आकार की हुआ करती थी, क्योंकि भीम के बाकी भाई उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि भीम थे। भीम की मृत्यु के बाद इन लाठियों को स्मृति स्वरूप टोपरा और मिरात शहर में गड़वा दिया गया। कुछ विद्वानों ने फिरोज तुगलक से कहा कि जहां पना इस स्तंभ पर लिखा है कि कोई इस स्तंभ को हिला नहीं सकता, और भविष्य में मुस्लिम फिरोज तुगलक मुल्क के सुल्तान बनेंगे, वही इसे ले जाने में सफल होंगे। टोपरा हिजराबाद का स्तंभ, जिसे मीनार ए जरीन कहा जाता है, उसे लाने के लिए सुल्तान ने सैनिकों को भारी संख्या में बुलाया, तथा सैंबल पेड़ के रेशम के गद्दे स्तंभ के चारों ओर लपेटे गए, तथा रुई और मखमली गद्दों पर स्तंभ को गिराया गया जिससे उसे कोई नुकसान न हो। 42 पहियों की विशाल गाड़ी का निर्माण किया गया। हर पहिए से रस्सी बांधकर प्रत्येक रस्सी को 200 लोगों एवं हाथियों ने खींचकर यमुना नदी तक स्तंभ को पहुंचाया, जहां पर सुल्तान फिरोज तुगलक के साथ बहुत विशाल नौकाएं तैयार थी जो 5000 से 7000 लोगों को ढोने की क्षमता रखती थी। हजारों लोगों की मदद से जैसे तैसे स्तंभ को नाव पर चढ़ाकर दिल्ली के फिरोजाबाद तक लाया गया। इस वाकये के वक्त तारीख फिरोजशाही के लेखक शम्स-ए-सिराज महज 12 वर्ष के थे, जो कि मूर खान के शिष्य थे। इतिहासकार डॉक्टर राजपाल कहते हैं कि अशोक ने इस स्तंभ को गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में बनवाया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि सभी स्तंभ पाटलिपुत्र में बनते थे और बाद में उन्हें गाड़ने वाले स्थान तक लाया जाता था, जो उस काल में ढुलाई का बड़ा दुष्कर और दुर्लभ कार्य होता था। मध्यकाल तक स्तंभ अभिलेखों को पढ़ना तो छोड़िए, लोगों को यह भी नहीं पता था कि इन्हें किसने खड़ा करवाया है। 17वीं सदी के टॉम कोरिएट और विटिकर को टोपरा का स्तंभ पीतल से निर्मित लगा, और चैपलिन एडवर्ड टेरी को स्तंभ संगमरमर से निर्मित ग्रीक अभिलेख युक्त लगा, जो सिकंदर की पोरस पर विजय का प्रतीक था। जबकि 19वीं सदी में
बिशप हेवर को यह स्तंभ ढली हुई धातु से निर्मित लगा। और तैमूर का कहना था कि उसने अपने जीवन में कहीं भी ऐसा एकाश्मक स्तंभ नहीं देखा जैसा कि टोपरा का स्तंभ है। ये सभी बातें अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट कॉप्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के वॉल्यूम नंबर 1 में पृष्ठ 163 से 64 पर लिखी हैं। विलियम जॉन्स ने टोपरा अभिलेख को पढ़ने के लिए बनारस के हाकिम के पास अभिलेख की छाप को भेजा। हाकिम ने छाप को किसी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण से पढ़वाया जिसने कहा कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है, और ब्राह्मण ने लिपि को पढ़ने की फर्जी किताब लिख डाली और सत्यापित करते हुए कहा कि उसने अभिलेख को बिल्कुल सही सही पढ़ा है। खुद जेम्स प्रिंसप स्तंभ लेख को संस्कृत भाषा समझकर पढ़ते रहे। अंत में उन्होंने 1837 में सांची के कुछ दान अभिलेखों में दान शब्द के अक्षरों को पहचाना और उसे ब्राह्मी लिपि के शेष अक्षरों से मिलाकर पहचान लिया। जेम्स प्रिंसेप ने अपनी मृत्यु के 3 वर्ष पहले ही अशोक अभिलेख की गुत्थी को सुलझाया था, अन्यथा श्रम व्यर्थ हो जाता। तभी हमें सम्राट अशोक जैसा महान सम्राट भी मिला। मैसन ने खरोष्टी लिपि के अक्षरों को खोजा था तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के। नॉरिस और कनिंघम ने मिलकर खरोष्टी की वर्णमाला को पूरा किया था। 1750 में विश्व को पहली बार अशोक के स्तंभ का पता चला था। ये सफलता प्रिंसेप कनिंघम मैसन जैसे दर्जन भर विद्वानों की 87 वर्षों की दिन रात की मेहनत का फल था। फिर कनिंघम ने 1877 में कॉप्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम के प्रथम खंड में अशोक के शिलालेखों को संपादित कराया था। 1925 में डी.आर. भंडारकर ने अपनी पुस्तक अशोक के प्रकाशन में बड़े पैमाने पर अशोक के अभिलेखों का प्रयोग किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अशोक पर शोध हुए, पुस्तकें लिखी गईं और नाटक लिखे गए। टोपरा के अशोक स्तंभ की पॉलिश के लिए विंसेंट अर्थ स्मिथ ने लिखा है कि इतने विकसित होने पर भी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हम इस पॉलिश करने की कला को आज विलुप्त मान रहे हैं। टोपरा का अशोक स्तंभ देश का एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक की 7 राजाज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।